आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर. सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कंपनी ने जो अचीव किया यहाँ से हाईएस्ट एवर ईयर टू डेट ऑर्डर इनफ्लो जो कि रहा, इसके ऊपर आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी. इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई एंड ईपीसी वर्क, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर आप? श्योर, थैंक यू. हमारी कंपनी ने हमारे आज तक के हाईएस्ट ऑर्डर इनफ्लो इन एनी फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड किया है. टोटल ऑर्डर इनफ्लो 4,100 करोड़ का रहा, जिसमें लार्ज कॉन्ट्रैक्ट हमें बीएसएनएल से मिला फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ 4G टावर्स इन रूरल एरियाज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी. सो इसे लेकर हमारे क्लोजिंग ऑर्डर बुक की पोजिशन 4,500 करोड़ पे आ गई है एंड हमें इससे अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है अगले 3 साल के लिए. कंपनी 25% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर बुक. एंड उसके अलावा भी हमारे ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके अंदर में कंपनी अच्छी डिमांड देख रही है और भारत सरकार की तरफ से भी काफी केपेक्स का पुश हम देख रहे हैं. नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फ्रंट पर अगर देखें तो यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.4% डाउन यहाँ से देख रहे हैं. एमटीएम लॉसेस राइजिंग, तो डॉलर के सामने जो रुपी डिप्रिसिएशन जो हुआ है उसका कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको यहाँ से लग रहा है? जो इस साल रुपी में काफी शार्प गिरावट की वजह से हमारे कुछ M2M लॉसेस आई हैं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हम लोग अपने जितने एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसका हम लोग फॉरवर्ड हेज लेते हैं. बट ये लॉस लार्जली नोशनल है क्योंकि ये M2M के तहत हमें रिकग्नाइज करना पड़ता है, पर आगे जाके जब इसका एग्जीक्यूशन होता है और एक्चुअल रेवेन्यू आता है तो रियलाइजेशन हायर वैल्यू में आके फिर ये नलिफाई हो जाता है. तो इसलिए वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस M2M लॉस, इट इज जस्ट लार्जली नोशनल इन नेचर. जी, डेफिनेटली. नेक्स्ट सर, बात करेंगे जबकि अब ऑर्डर बुक इन प्लेस, तो केगर के ऊपर CAGR है फॉर कमिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम लोग कंफर्टेबली 25% प्लस का CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक हमारा टारगेट होगा कि अगले 3 से 4 साल के अंदर में हम अपना रेवेन्यू डबल कर सकें. ओके, साथ ही सर लाइक फोकस आपका जो है कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी पर है, जैसे कि आपने अपनी कमेंट्स में तो वैसे बताया है, कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे जो टेलीकॉम वर्टिकल बिजनेस है विद BSNL, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? श्योर, इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो हम लोग अच्छी डिमांड हम देख रहे हैं ग्लोबली. स्किपर अराउंड 55 कंट्रीज में आज के दिन में एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट हमारा और बढ़ रहा है. खासकर डेवलप्ड कंट्रीज से भी हमें डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज अभी ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल पावर के ऊपर में फोकस कर रही है और रिन्यूएबल पावर सोर्सेस को अपने पावर मिक्स में इंटीग्रेट करने की चेष्टा कर रहे हैं. तो उसके लिए ट्रांसमिशन का इन्वेस्टमेंट हम और बढ़ता देख रहे हैं ग्लोबली. एंड जहां तक टेलीकॉम की बात है तो टेलीकॉम में 4G और 5G नेटवर्क्स के आने से ज्यादा टावर की रिक्वायरमेंट आएगी, जो कि हम देख रहे हैं इंडिया में भी और बाहर में भी. उसी के लिए हमें अभी ये BSNL से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर प्रोवाइडिंग 4G कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया. हम आगे और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद रखते हैं. ओके, और शरण जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, जैसे कि कंपनी की पाइपलाइन के ऊपर काफी स्ट्रांग है, ओवरसीज और डोमेस्टिक सेगमेंट के अगर ब्रेकअप अगर आप शेयर कर सके, और साथ ही रिटेल प्रेजेंस में एक्सपेंशन के कुछ प्लान्स कंपनी के? श्योर, ये BSNL कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद में हमारे डोमेस्टिक का परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है ऑर्डर बुक में. टिल लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर शेयर करीब करीब 40-45% था, पर फिलहाल ये बड़े डोमेस्टिक के ऑर्डर आने से अभी डोमेस्टिक का शेयर करीब 80% हो गया है, एक्सपोर्ट का शेयर 20% है. बट वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है दोनों मार्केट्स में, एक्सपोर्ट्स में भी और डोमेस्टिक में भी. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा. जी, डेफिनेटली.